हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये देखिए, ये मैंने अपने गार्डन में से कुछ 5 पौधे निकाले हैं जो कि मॉस्किटो रेपेलेंट है। मॉस्किटो रेपेलेंट मतलब जो मच्छर होते हैं वो इनके पास आना अवॉइड करते हैं। तो अगर आप खूब सारे लगाएंगे घर में तो आपको एयर प्यूरिफाई तो आपकी प्लांट से होगी होगी, साथ में ये एडेड एडवांटेज होगा कि मॉस्किटोज नहीं आएंगे, जिनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम और बीमारियां फैलती हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो सबसे ब्राइट और ब्यूटीफुल है। यस, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड या गेंदा, ये देखिए कितना वाइब्रेंट कलर का है। ये लाइट लेमन कलर का है, ये येलो क्रोम येलो कलर का है। और ये इसके इसके बहुत सारे फायदे होते हैं गेंदे के, और इसको ग्रो करना भी इजी होता है। इसको सीड से प्रोपोगेट कर दो, इसको कटिंग से प्रोपोगेट हो जाता है। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी प्लांट है, थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो जाए उसके बाद तो इट कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ ऑन इट्स ओन। पानी डालिए बस, बहुत ज़्यादा हाई फर्टिलाइजर डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये वाला मॉस्किटो रेपेलेंट है, इनमें खुशबू है। और ये मॉस्किटो के अलावा भी बहुत सारे इंसेक्ट्स जो गार्डन को में प्लांट्स को अटैक करते हैं उनसे ये प्लांट्स को बचाता है, मैरीगोल्ड। और इसकी एक और एक बहुत बड़ी खूबी है कि ये बहुत ही बढ़िया पॉलिनेटर है। पॉलिनेटर मींस कि ये बीज को अट्रैक्ट करता है, हनी बीज को, बीज को, साथ में बटरफ्लाइज को। और क्योंकि इनका कलर बहुत वाइब्रेंट है, इनकी खुशबू उनको अच्छी लगती है, तो ये आप अपने वेजिटेबल गार्डन में, बैकयार्ड में ये ज़रूर लगाएं। कॉम्बिनेशन में अगर आपकी घी या तोरी की बेल है या आपके कोई भी विंटर की वेजिटेबल लगी हुई है उसके साथ भी आप इसको लगा सकते हैं, ताकि ये आपके घर में बहुत सारे ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज लेके आए और बीज लेके आए। तो इसके एडवांटेज देखिए फ्रेंड्स कितने ज़्यादा हैं। तो इसको अपने गार्डन में जरूर जगह दीजिए। ये आपको खाली देखने में सुंदरता बढ़ाएगा, उसके अलावा इसकी बहुत सारी क्वालिटीज हैं। अगर पूरे गार्डन में 2-3 जगह रख दिया, उस कॉर्नर्स में मॉस्किटोज थोड़े कम हो जाते हैं, रिपेल करता है। ये मैरीगोल्ड है। नेक्स्ट मैं लेती हूँ लैवेंडर। लैवेंडर भी खूबसूरत प्लांट तो है ही। इसकी लीव्स देखिए सिल्वर ग्रे कलर की हैं और शेप भी इनकी बहुत ब्यूटीफुल है। और इसकी बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये मॉस्किटो रिपेल करता है, मॉस्किटो रिपेलेंट है। लैवेंडर नंबर 2 पे आप देखते हैं लेमन ग्रास। लेमन ग्रास की भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। देखने में कॉर्नर में रखिए तो ये बहुत ऑर्नामेंटल लगता है और बहुत अच्छा लुक देता है। इसके अलावा मॉस्किटो रेपेलेंट है, इसकी चाय बनती है बहुत अच्छी, लेमन ग्रास टी। इतनी अच्छी खुशबू आती है जब ये बॉयल हो रहा होता है। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है इसका लेमन ग्रास के ऊपर, उसमें चाय बनानी भी दिखाई है, बहुत अच्छी लगती है चाय। एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। और ये प्लांट अपने घर में लगाइए, इसमें एक बड़ी क्वालिटी है कि ये मॉस्किटो रेपेलेंट है, लेमन ग्रास। अब ये देखिए ये बेजिल है। बेजिल क्या करता है, बेजिल की खुशबू देखिए। अगर मैं इसको छोटी सी पत्ती को तोड़ती हूँ और इसको क्रश करते हैं तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। ये बेजिल है और बेजिल के फ्लावर्स आते हैं अच्छे बंचेस में। अभी मैंने सबको काट करके टिप्स इसकी पिंचिंग की है ताकि ये थोड़ा भरा हुआ लगे मेरा बेजिल का प्लांट, और खुशबू आने लगती है। और ये थोड़ा खाने में कई चीज़ों में फ्लेवर देने के भी काम आता है, सूप्स में, पास्ता में, कई इटालियन डिशेस में। ये है बेजिल, ये भी मॉस्किटो रेपेलेंट है। इसकी खुशबू काफ़ी तेज़ है जो कि मच्छरों को या मॉस्किटोज को पसंद नहीं आती है। अब ये जेरेनियम है, अभी ये मैंने लगाया है। जेरेनियम के मैं फूल आपको दिखा दूंगी, इसमें थोड़ा सा लास्ट ईयर का
मेरा जेरेनियम का पौधे का थोड़ी सी वीडियो इसमें डाल दूंगी। ये भी मॉस्किटो रेपेलेंट होता है। अच्छी बंचेस में कई कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स में इसके फ्लावर्स आते हैं। तो ये देखिए, ये पांचों पौधे मॉस्किटो रेपेलेंट है और ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं बिसाइड्स रिपेलिंग मॉस्किटोज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।